दोस्तों नमस्कार। एक समय हुआ करता था जब बाड़मेर वासियों या फिर यूं कहूं कि पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान के दौरों में लोगों को चलने के लिए ऊंटों और घोड़ों का इस्तेमाल करना पड़ता था, क्योंकि यहां पर सड़कें होती नहीं थी तो वाहन कहां से होते। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाने जा रहा हूं जो बाड़मेर वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और साथ ही साथ जो कार्य किया गया है वो उसकी बारीकी का मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो काम हुआ है यहाँ पर वो क्या सरकार ने किया है बाड़मेर वासियों के लिए। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाने जा रहा हूं। पहले तो मैं मेरे साथी कैमरामैन साथी से कहूंगा कि जो बाड़मेर के धोरे हैं वो दिखाए, और उसके बाद में मैं आपको वो चीज़ दिखाने जाऊंगा, क्योंकि जो बाड़मेर के आप धोरे देख पा रहे हैं उन धोरों को काट कर बाड़मेर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात दी गई है, बड़ी खुशखबरी दी गई है। क्योंकि जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, ये जो बाड़मेर के 2 किलोमीटर दूर बाड़मेर से बाहर की तरफ जो हाईवे बना है, ये हाईवे रिंग रोड बना है। केंद्र सरकार द्वारा ये हाईवे बनाया गया है, ये रिंग रोड बनाई गई है। जैसे तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं 6 लाइन हाईवे बनाया गया है कि बाड़मेर वासियों को ट्रैफिक की प्रॉब्लम ना हो, उसको लेकर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए जो ये आप हाईवे देख पा रहे हैं, 6 लाइन हाईवे देख पा रहे हैं, ये हाईवे बनाया गया है जो बाड़मेर के अंदर बड़े वाहनों के बाड़मेर के अंदर एंट्री नहीं हो, जिनको सीधे रास्ते एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए सीधे रास्ते जा सके, उसके लिए ये हाईवे रिंग रोड बनाई गई है। जो रिंग रोड मैं आपको तस्वीरों में दिखा पा रहा हूँ, कितनी शानदार तरीके से जो ये रिंग रोड बनी है, जो बाहर से वाहन आएंगे वो वाहन अगर किसी को सीधा जाना है, सिटी में एंटर नहीं होना है, ट्रैफिक में नहीं फंसना है, तो उसके लिए ये बाहर से रास्ता बनाया गया है जो रिंग रोड बनाई गई है। ये सीधी की सीधी बाड़मेर सिटी से बाहर निकल जाएगी, और जो जोधपुर से आ रहे हैं, जैसलमेर से आ रहे हैं, बाड़मेर के चारों तरफ ये रिंग रोड बनाई गई है, जिसको आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कितना खूबसूरत तरीके से काम किया गया है केंद्र सरकार की द्वारा। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं सड़क की 6 लाइन है, और जगह जगह पर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को चलने में दिक्कत ना हो, और जो हादसे होते रहे। आमतौर पर हम देखते हैं कि बाड़मेर में हादसे खूब होते हैं, सड़क दुर्घटनाएं खूब होती हैं, उसको लेकर ये काफ़ी सुधार होगा, क्योंकि अब जो बड़े वाहन है वो सिटी के अंदर एंटर नहीं होंगे तो दुर्घटनाएँ भी कम होगी, जो बाहर से बाहर सीधे हाईवे से हाईवे निकल जाएंगे उनके लिए। और जो आप लाइटिंग देख पा रहे हो, कई बार क्या होता है कि बाड़मेर के आसपास जो सुबह सुबह बड़े बड़े हादसे होते रहते हैं कि वाहन चल रहे होते हैं उसके सामने वाहन की लाइट की वजह से देख नहीं पाते हैं, तो कई बार छोटी गाड़ियां भी सड़क में या फिर साइड में खड़ी होती है तो लाइटिंग क्यों नहीं होती है तो उस पर देख नहीं पा रही, और वो गाड़ी सीधी उसके अंदर घुस जाती है। तो इसको लेकर भी यहां पर खूब व्यवस्थाएं की गई है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये जो लाइटिंग की व्यवस्था की है, जगह जगह पर लाइटिंग की गई है, तो ताकि आने जाने की में दिक्कत ना हो, लोगों जो गाड़ी खड़ी है भी सड़क में गाड़ी खड़ी है या सड़क के किनारे खड़ी है तो वो आसानी से दिख सके, उसके लिए लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, और 6 लाइन हाईवे बनाया गया। और बाड़मेर वासियों के लिए ट्रैफिक व्यवस्था सुधरने के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, बाड़मेर वासियों के लिए बड़ी सौगात है। और इसी के साथ साथ ही जो बाड़मेर से लिंक होती सड़कें हैं, जो गांवों से आती हैं सड़कें बाड़मेर से लिंक करते हैं, उनके लिए भी जो ऐसे नहीं है कि आप घूम के जाओ या फिर अदर जगह से जाओ, उनके लिए भी कड़ी व्यवस्था की गई है। जो सड़कें हैं वहां से सीधे नीचे ओवरब्रिज बना दिए गए हैं, जिसके नीचे से पुलिया बना दिए गए, तो सड़कें सीधी बाड़मेर सिटी से लिंक करती है, और हाईवे से भी ये लिंक करती है, ताकि अगर किसी को गाँवों से आ रहे वो भी सीधे कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो वो भी सीधे जा सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि रिंग रोड बना दी तो बीच में आपको अब घूम के जाना पड़ेगा, कहीं और 4-5 किलोमीटर का गैप लेना पड़ेगा। अब सीधे सीधे आप उनसे लिंक भी कर दी गई है सड़कें, जो हाईवे से जाना चाहे वो हाईवे से जा सकता है, और सीधे जो रोड जाती है उसके नीचे ऊपर पुलिया बना गए हैं, जो बड़े हाई वाहन है वो सीधे से सीधे इसके ऊपर चला जाए। एक बार मैं पुनः कहूंगा कि धोरों को काट कर ये जो हाईवे बनाया गया है ये केंद्र सरकार की सबसे बड़ी पहल है, क्योंकि जो आमतौर पर हम देखते हैं कि सड़कें सीधी बनना, आमतौर पर हम देखते हैं कि हाईवे बना दिया सिटी के अंदर से निकलता है, और जो ये रिंग रोड का कार्य किया गया है हाईवे को काटकर, और बहुत ही जल्दी ये जल्दी से जल्दी ये काम किया गया है, और लगभग मैं आपको अनुमान बताऊं तो पिछले 3-4 महीने के अंदर ही हाईवे तैयार हो गया है। बाड़मेर वासियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। अब ट्रैफिक था कई बार यहाँ पर चौराहे है, सिंदरी चौराहे, चौटन चौराहे, जो सिटी के अंदर जाने के लिए खूब वाहन लग जाते थे, क्योंकि बड़े वाहन अंदर आ जाते थे तो वहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था जो अव्यवस्था हो जाती थी, ट्रैफिक व्यवस्था की हालत ख़राब हो जाती थी, लोगों को खूब परेशानियाँ होती थी, क्योंकि बड़े वाहन अंदर आ जाते थे जो सब्जी मंडी के लिए आते थे, अब वो डायरेक्टली यहाँ से आएंगे और सीधा हाईवे टू हाईवे लोग अंदर जा सकेंगे या फिर बाहर जा सकेंगे, अब सीधा जो हाईवे ट्रक चालक है उनको भी अब कोई परेशानी नहीं होगी। हाईवे बनने के बाद जो यहाँ पर हाईवे शुरू हो गया, उसके बाद में जो ट्रक चलते हैं उनसे हम जानते हैं कि जो पहले सिटी के अंदर जाते थे ट्रैफिक प्रॉब्लम होती थी, अब इनसे जाते हैं इनकी कितनी सहूलियत हुई है। सर क्या नाम है आपका? धन्नाराम जी। पहले जो सड़कें हाईवे नहीं था तो हमारे सिटी में घुसते थे, ट्रैफिक परेशानी होती थी, कितने घंटे लगते थे, अब हाईवे बन गया तो कितनी आसानी हो रही है आपको? अब तो बहुत बढ़िया बन गया आइडिया, हाईवे
फटाफट पार हो जाते, वहाँ टाइम लगता था कम से कम 1 घंटे का। यहाँ सिटी में जाते थे तो 1 घंटा लगता था, 15 मिनट से पार हो जाते। जो जोधपुर जाना है सही जैसलमेर साइड जाना है। तो जो ट्रक चालक है भाई है, वो पहले सड़कें टूटी हुई थी, अंदर टाइम लगता था, उनके लिए कितनी खुशखबरी है, बड़ी बात, बहुत बढ़िया है। आप क्या कहना चाहोगे सर? इनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, पहले ट्रैफिक में फंस जाते थे, अब बाहर हाईवे बना है तो बहुत जल्दी काम होता है, जल्दी निकल जाते हैं, अंदर ट्रैफिक में फंसना नहीं पड़ता है। कहीं कहीं पहले कहीं लंबा जाना होता था तो कितना समय लगता था, अब तो हाईवे बन गया है, 6 लाइन हाईवे है, एकदम आराम से लगेगा। 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट पर इधर जाना हो सही, इधर जाना हो। पहले अगर सिटी जोधपुर से, मान लो आप जोधपुर से आ रहे हो, तो सिटी के अंदर आने से आपको सिटी पार करने में कितना टाइम लगता था? कम से कम 1 घंटा। अच्छा, अब कितना मिनट, अब कितना 15 मिनट, 15 मिनट हाईवे से हाईवे निकल जाते आराम से। कितनी खुशखबरी है, बहुत बढ़िया, बहुत। देखिए ट्रक चालकों का कहना है कि पहले 1 घंटा लगता था तो अब 15 मिनट में ही हम अपना रास्ता तय कर लेते हैं और आसानी से हम अपना काम कर पाते हैं। जुड़े रहे ऐसी तमाम खबरों के लिए द खटक के साथ, मैं आपका साथी जसवंत सिंह शिवकर।